हमें ये लगता है कि आप पढ़ाई को आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, आपको कॉलेज से निकाला जा रहा है। नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मैरी में फैमिली का खावन तो इस दुनिया से रुखसत हो गया है, लेकिन रहीला को इस बात की फिक्र लाहिक हो गई है कि कहीं फैमिली भी अब इस घर में आकर ना बैठ जाए। पहले ही सैका भी इस घर में आकर बैठी हुई है। अब हबीब ने भी दूसरी तरफ सैका को बहकाने की कोशिश शुरू कर दी है कि भाई साहब के बिजनेस से हिस्सा लेने का बहुत ही अच्छा मौका है। और सैका जो कि ड्रामा में अब पॉजिटिव किरदार अदा कर रही थी, फिर से हबीब उसको बहका कर बुरा बनाने की कोशिश करेगा। मुझे तो ऐसा लगने लग गया है कि हबीब का सारा खानदान ही नेगेटिव सोच रखने वाला था। उसका भाई भी नेगेटिव सोच के तहत छोटे बच्चों की शादी करवा गया और उनकी माँ भी एक नकचढ़ी औरत थी और दोनों बहनें भी किसी खास सच्ची सोच की मालिक नहीं। सैका फैमी से हमदर्दी करने की कोशिश करती है, लेकिन फैमी उससे कहती है कि तुम्हारी ही वजह से मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और तुम मुझसे अब हमदर्दी जता रही हो, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी।